What's up guys, welcome back to my channel. This is my another video in which we will see how to make a sign up form या registration form भी बोल सकते हो आप उसे. So guys, सबसे पहले आपको अपना coordinator on करना है and उसमें फिर आपको एक file बनानी है .html से and वहाँ पे आपको फिर HTML boilerplate लिखनी है. Okay, HTML boilerplate ये मैंने लिख ली title में. How to make registration form. ओके गाइज, एंड हमें इस लिंक की जरूरत नहीं है, इंटरनल CSS डालेंगे. यहाँ पे स्टाइल टैग किया एंड उसके बाद हमें बॉडी पे आना है एंड फिर उधर हमें एक div ओपन करना है गाइज एंड उसे क्लास देनी है मेन एंड गाइज उसके साथ हमें सेंटर देनी है. जोन सा भी हम डीव लेके उसमें हमें सेंटर देनी है क्योंकि अब मैं सेंटर को एक अलग से बना दूंगा जिससे वो सारा कंटेंट सेंटर में आ जाए और बीच में आ जाए. फिर इसके अंदर हमें एक डीव लेना है एंड उसकी क्लास हमें देनी है बॉक्स एंड उसमें भी हमें सेंटर क्लास देनी है. फिर उसके अंदर हमें एक H1 लेना है एंड उसकी क्लास देनी है हमें नेम. नेम सही रहेगा गाइस इसके लिए क्योंकि हेडिंग ही है ये, नहीं तो H1 ही दे देता हूँ क्लास H1 एंड यहाँ पे लिखना है रजिस्ट्री नाउ. ये ओके गाइस एंड इसके बाद फिर हमें इनपुट फील्ड्स लेनी है. हमें इसके बाद तीन इनपुट फील्ड्स लेनी है. तो मैं फटाफट ले लेता हूँ इनपुट टेक्स्ट की. ओके, सो मैं इसको तीन कॉपी कर लेता हूँ, 3. सो ये जो हो गया ये टेक्स्ट यहाँ पे ये प्लेस होल्डर में एंटर योर एंटर नेम लिख देता हूँ बस. यहाँ पे हमें इसकी चाहिए ईमेल, एंटर ईमेल एंड यहाँ पे हमें इसका फ़ोन नंबर चाहिए होगा गाइस. तो यहाँ पे हम डाल देते हैं नंबर. ओके एंड प्लेस होल्डर में भी हमें एंटर फोन नंबर डालना है. एंटर फोन नंबर. ओके, इतना हो गया. अब हमें इस डीव के बाहर एक और डीव लेना है जिसमें हम जेंडर वाला डालेंगे एक. मेनली वो दो बटन्स है तो हमें इसके अंदर इसकी क्लास देनी है जेंडर एंड फिर सेंटर एंड इसके नीचे फिर हमें दो बटन्स लिखने हैं. पहला बटन इसमें हमें लिखना है मेल एंड इसे भी क्लास देनी है. इसे क्लास देनी है हमें BN दे देता हूँ. ओके एंड उसके बाद फिर एक और पेस्ट एंड यहाँ पे हमें लिखना है फीमेल FE. ओके, इस डेव का भी काम हो चुका है. अब इसके नीचे हमें एक साइन अप बटन लगाना होगा. सो अब हमें एक और बटन चाहिए होगा. सो इसे किया कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट. इसकी क्लास देनी होगी BTN एंड साइन अप. तो ओके गाइस, इतना हो चुका है. अभी देखते हैं कैसा दिख रहा है. तो गाइस, कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म. अभी हमें इसमें CSS ऐड करनी बाकी है. तो हमारे HTML का काम तो हो चुका है एंड अब हम स्टाइल डालना है इधर. तो सबसे पहले आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर में पैडिंग 0 एंड मार्जिन 0 कर देना है. मार्जिन एंड उसके बाद हमारा फर्स्ट क्लास थी मेन. यस, तो हमें अब मेन को करना है लेकिन उससे पहले मैं बॉडी को एक बैकग्राउंड दे देता हूँ ताकि फॉर्म हमारा अलग दिखे उसमें. सो बैकग्राउंड कलर हमारा हेक्साकोड में है. FF414F. सो गाइस, ये हमारा बैकग्राउंड कलर है
एंड इसके बाद हमें सेंटर को स्टाइल करना है क्योंकि वो सब में कॉमन है। सो हम सेंटर को डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे एंड उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कंटेंट सेंटर हो गया ये। एंड इसके बाद हमें अलाइन आइटम्स वो भी सेंटर करनी है। ये हो गया सेंटर। सो देखते हैं कैसा दिख रहा है। सो हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है, ये सब लाइन में आ चुके हैं, लेकिन हमें इसको क्या चाहिए, ये एक के बाद एक आए। सो अब वो करते हैं। इसके बाद हमारा था बॉक्स, फिर हमें डॉट बॉक्स लिख के कर्ली ब्रेसेस ओपन करने हैं एंड उसके बाद हमें मार्जिन टॉप देना होगा पहले, ताकि ऊपर से थोड़ा स्पेस आ जाए इसमें। मार्जिन टॉप 120 पिक्सल एंड फ्लेक्स डायरेक्शन को हम कर देते हैं कॉलम, ताकि वो 1x1 आ जाए। एंड उसके बाद हमें इसका बैकग्राउंड देना होगा, बैकग्राउंड दे देते हैं हम इसे वाइट एंड इसे विड्थ एंड हाइट देनी होगी। विडोज में विड्थ और 350 पिक्सल्स दे देते हैं एंड उसके बाद हम इसे हाइट देंगे, वो 400 दे देता हूँ। देखते हैं कैसा दिख रहा है पहले। सो गाइस ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हमारा रजिस्ट्रेशन आ चुका है और ये तीन आ चुके हैं यहाँ पे। अब इन बटन्स को भी इसमें लाना होगा। सो उसके लिए उस जेंडर को हम स्टाइल करेंगे एंड इसके बाद मुझे इसका बॉर्डर रेडियस देना है, थोड़ा कर्व सा आ जाएगा साइड साइड में, अच्छा दिखता है वो 20 पिक्सल्स का। एंड इसकी बॉक्स शेडो देनी है मुझे। सो वो कुछ ऐसे 1 पिक्सल 0 पिक्सल्स एंड इसके बाद 40 पिक्सल्स एंड देन 1 पिक्सल्स अगेन। कलर हमारा ग्रे है, ये हो गया। इसके बाद मैं H1 को स्टाइल कर लेता हूँ। ये H1 सबसे पहले था, तो H1 ऊपर स्टाइल कर देता हूँ। इसमें सिर्फ हमें मार्जिन बॉटम देना है 30 पिक्सल्स का। सो ये दे दिया हमने एंड इसके बाद हमें अपनी दूसरी क्लास स्टार्ट करनी है। सबसे पहले मैं इन सबको एक क्लास दे देता हूँ इनपुट के नाम से, क्योंकि हमारे तीन अलग है एंड देन वो दो अलग है। इन्हें इनपुट ये क्लास दी एंड ये कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ सब में फटाफट। पेस्ट करी, क्या आ रहा है ये, ओके। सो ये यहाँ पे कि हमने क्लोज, हमें वो सारा वापस से लिखना पड़ेगा। पेस्ट पेस्ट हो गया ये एंड इसके बाद मैं फटाफट वो कर लेता हूँ। बस टीस की क्लास थी जेंडर, ओके। एंड इसमें अब हमें दो बटन ही चाहिए थे। सो फटाफट कॉपी एंड पेस्ट कर दिया एंड इसकी क्लास बदलनी थी हमें, BN थी इसकी क्लास एंड यहाँ पे मेल एंड देन फीमेल। सो गाइस पहले देख लेता हूँ सब सही है या नहीं। सो गाइस देखिए क्या ग्लो आ गया है यहाँ पे और कर्व हो चुकी है सब, और सब वैसा का वैसा ही ठीक है। सो मैंने यहाँ पे क्लास इनपुट दे दी है सब में। अब हमें इनपुट को स्टाइल करना है। सबसे पहले डॉट इनपुट ऐसे लिखना होगा एंड उसके बाद हमें इसको स्टाइल करना है। इसे विड्थ देनी होगी 250 पिक्सल्स एंड उसके बाद हाइट इसे देनी होगी 40 पिक्सल्स की एंड उसके बाद बॉर्डर रेडियस
इसमें भी कर्व चाहिए, 20 pixels काफ़ी है। बैकग्राउंड इसे देना होगा एक्स कोड में F3 F1 F1 1 F1। ओके, ये इसके बाद हमें इसमें मार्जिन देना होगा ताकि साइड से थोड़ा मार्जिन आए। सो मार्जिन है हमारा 10 pixels एंड 0, एंड इसके बाद पैडिंग हमारी 0 एंड 15 pixels। देखते हैं कैसा दिख रहा है। सो गाइस देखिए, ये हो चुका है ऐसा सही। अभी हमें इसकी आउटलाइन रन करनी होगी, क्योंकि जब भी हम इसे कर रहे हैं फोकस तो ये आउटलाइन आ रही है। आउटलाइन कर दी नन, एंड उसके बाद हमें इसका बॉर्डर भी नन करना होगा। बॉर्डर इसे भी कर दिया नन, एंड उसके बाद इसका फॉन्ट साइज 0.9 rem। सो ये सही रहेगा। देखिए अभी ऐसा दिख रहा है। अब इन बटन्स को हमें यहाँ पे लाना होगा। काफ़ी अच्छा दिख रहा है अभी, एंड इसके बाद हमें अब अपने बटन स्टाइल करने हैं। सो इसके बाद हमारा bn है। ओके, सो पहले bn को स्टाइल कर लेता हूँ मैं, .bn। ओके गाइस, सो अब bn को कर लेता हूँ। विड्थ देनी होगी हमें इसकी, विड्थ देनी होगी हमें इसे 90 pixels, एंड उसके बाद हाइट मेनली इस जैसा सेम ही है इसका भी सीन। सो मैं फटाफट इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। विड्थ हमें इसे देनी थी 90, एंड हाइट हमारी सही है। बॉर्डर रेडियस हमें इसका 50 करना है, एंड ऊपर वाले का भी 50। ओके, इसका बैकग्राउंड सही है, बिल्कुल सही है कलर हमारा है इसका। अब हमें इसका चेंज करना होगा सिर्फ मार्जिन। सो मार्जिन हमारा यहाँ पे भी 10 pixels हो जाएगा, एंड उसके बाद हमारी पैडिंग हटानी है बिल्कुल। ओके, पैडिंग हटा दी, आउटलाइन 0, फॉन्ट साइज ये सही है। अब हमें ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट करना होगा, ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। सो ट्राइक्स ट्रांसफॉर्म हमें देना होगा इसे, अब वो हमें देना है अपर केस। ये हो गया, देखते हैं अब सही हुआ या नहीं। सो गाइस ये तो अभी भी यहीं पे है, देखना होगा कहाँ पे गलती हुई है। ये सही है। ओके, सो मैंने ये डीप यहीं पे छोड़ दिया है, इसे हमें नीचे क्लोज करना था। सो मैं इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ, एंड रिफ्रेश करते हैं। सो गाइस ये आ चुका है यहाँ पे। ओके, एंड हमें सेम बटन का इतना कॉपी किया एंड नीचे पेस्ट कर दिया, एंड बस क्लास बदलनी है bt। ओके, सो हमारा बटन भी अच्छा हो चुका है। हमें इसकी विड्थ अच्छी बढ़ानी होगी, क्योंकि बटन थोड़ा बड़ा होना चाहिए। सो इसकी 170 कर दी है, एंड इसके बाद ये सही दिख रहा है। इसका हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना होगा, जो हमने बॉडी को दिया है वही कर देते हैं, नहीं तो इनपुट फील्ड्स के साथ मैच ही हो रहा है। थोड़ा अलग दिखेगा तो अच्छा है। सो पेस्ट, एंड यहाँ पे भी चेंज करके पेस्ट कर दिया है। सो अब देखते हैं कैसा दिख रहा है। ओके, ऊपर वाले का नहीं करना था। इनका करना था। सो ये हो गया, एंड अब इन दोनों का कलर चेंज हो चुका है। इन दोनों का कलर कुछ भी कर सकते हैं गाइस, मैंने थोड़ा बैकग्राउंड से मैच हो जाएगा इसलिए करा है बस। सो गाइस ये हमारा फॉर्म बन चुका है। जब हम यहाँ पे कर रहे हैं, देखिए ऐसे लिखा जा रहा है हमारा नेम, ऐसे एंटर नेम। हमें प्लेस होल्डर चेंज करनी होगी, सब में हमने सेम डाल रखा है। ओके, सो सब चेंज होगा यहाँ पे हमारा। यहाँ पे ईमेल, एंड यहाँ पे एंटर ईमेल, एंड यहाँ पे हमें फ़ोन डालना है,
एंटर फोन नंबर, एंड यहाँ पे हमें डालना होगा नंबर। सो कैसे हो चुका है, सब चेंज हो चुका है यहाँ पे। यहाँ पे आराम से हम नंबर लिख सकते हैं, एंड यहाँ पे हम मेल लिख सकते हैं। एंड अगर हम यहाँ पे एक और टैग यूज़ कर ले इनपुट फील्ड में रिक्वायर्ड, तो हमें इसको भरना ही होगा, तो वो खाली नहीं कर सकते। अब जब मैं अगली वीडियो बनाऊंगा कि हम कैसे एक वर्किंग फॉर्म बना सकते हैं, उसमें आपको बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं। और अगर आपको एक वर्किंग फॉर्म चाहिए जिस पर हम ऐसे क्लिक करें और वो वर्क करे, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट डाउन कीजिए, मैं उस पर पक्का वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही।